कर्णप्रयाग में UKSSSC सहित अन्य भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं ने जुलूस निकाला, जो कि पोखरे पुल से मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिसर पर समाप्त हुआ, जिसके बाद उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान युवाओं ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन कतिपय लोग 15-15 लाख में पेपर बेचकर युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। कर्णप्रयाग से संवाददाता संदीप सिंह की रिपोर्ट। जितनी उत्तराखंड में धांधली हुई है उसकी क्या हो, जांच हो। आप क्यों अपनी सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप सीटें दिखवा रहे हैं? एक बच्चा बेचारा 700,000 रुपए फीस दे करके कोचिंग में पढ़ता है बेचारा। व्यापी समय जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, उत्तराखंड जो बेरोजगार संघ है उसके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था कि जो BPDO और जो हमारी अन्य भर्तियां हुई हैं उनमें जो धांधलीबाजी की गई थी उसकी CBI जांच करवाई जाए। गांव से मेहनत करके किसान का बच्चा मेहनत करके आ रहा है, एक पॉइंट दो पॉइंट से गुजारा, एक एक नंबर से गुजारा सर। यहाँ मेहनत करके हम अपनी मेहनत से देखें, लेकिन पैसे देने वाले लोग पैसे दे के आगे चले जा रहे हैं। इसमें क्या करेगा गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चे की यही है गुस्सा, यही है हमारा कि भाई हमारी मेहनत की हमने, हमने जो मेहनत की है बस उसको देखो ना। हमारी फैमिली वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे दे सके, हमारे हमारे फ्यूचर कैसे से होगा। मतलब हमारे घर वाले भेजते हैं हमें, हम पे भरोसा रखते हैं कि हम लोग बढ़े आगे कुछ करें, उनका नाम रोशन करें, पर हमारे सारे सपने वहीं पे चूर हो जाते हैं जब ऐसी धांधलियाँ चलती हैं और हमारे फ्यूचर के साथ इतनी बुरी तरह की।